हो गया अभी काम तो है ना, फिर बेचे ना कर ये एक टाइल है, सिर्फ ये एक टाइल जो क्लाइंट ने पसंद की है, ये वाली। बाकी पूरे घर में जितनी भी टाइल लगी सब इनने पसंद की। किसने? वो तो टाइल ये मेरे को तो ये ज्यादा अच्छी लग रही है, सही में अच्छी है, अच्छी है, मुझे तो अच्छी लग रही है। ये चढ़ाव की हो गया, ये वो कुक वाला स्टेप्स के लिए तो बता रहा था ना, वो पॉइंटेड कुक वाला, ये है इसमें। अच्छा, इसमें पत्थर को 45 डिग्री छीलना पड़ता है, ये छीला और ये वाला भी छीला, उसके बाद फिर ये आके 0 पॉइंट में मिलता है। अच्छा, अब ये डायरेक्ट बिठा देंगे, डायरेक्ट को उस पर जो कहां पे बिठाएंगे, ये चढ़ाओ के, चढ़ाओ से है ना, स्टेप्स पे ऐसा लगेगा कि एक एक स्टेप रखा था अपन इस काम का पूरा। अच्छा, नोजिंग क्या बोलते हैं, नोजिंग करना? नोजिंग तो हाँ, मतलब तो बाहर आएगा निकलेगा थोड़ा बहुत, नोजिंग नहीं होगा। ये गेस्ट बेडरूम है, ये किचन। अच्छा, साउथ ईस्ट का है वास्तु वाले में कि नीचे ये प्लॉट, ये कॉर्नर जो है ये साउथ वेस्ट है, वो वाला जो है वो साउथ ईस्ट है, तो अपना प्लेटफॉर्म में आ रहा है ऑलमोस्ट साउथ ईस्ट में, वो साउथ वेस्ट उसको हेवी रखना पड़ता है, तो उसको अपन ने शोरूम रखा है। और यहाँ पे माइक्रोवेव ओवन आ जाएगा, उस तरफ फ्रिज आ जाएगा, यहाँ सिंक आ जाएगा, यहाँ कूलर आ जाएगा, ये किचन में। इसमें भी इटालियन लगेगा, फ्लोरिंग पे लगेगा, इंटरफेयर नहीं किया ना अंदर में, बहुत फर्क पड़ जाता है। कुछ भी नहीं बोला आपसे, उन्होंने मेरे को एक चीज के लिए प्लानिंग चेंज कराई, हमने स्टेट के लिए सुपर तक ही चलाया, उन्होंने बोला कि मेरे को रिफ्लेक्स पैटर्न चाहिए क्लियर, वो तो अपन क्लाइंट को समझाओ, तब भी कोई इतनी जगह छोड़ता नहीं है, क्योंकि इसमें जगह ज़्यादा खराब हो रही ना, और उनकी रिक्वायरमेंट ही थी, तो वो प्लानिंग इसलिए इतनी अच्छी निकल के आ गई। जी अच्छा है किचन को, ये है पनिंग, ये मोटा प्लास्टर, इसके ऊपर ही पनिंग खराब। अच्छा, हाँ सर, कहाँ? चलो, फिर उसके ऊपर टेक्सचर्ड पेंट मारा है। सही नहीं। कितना mm होता है? 20 mm लग रहा है। 20 mm लग रहा है। क्या चीज़? पनिंग 20 mm। ये? सॉरी 2 mm। पनिंग जो है ये करीब आधा सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर वेरी करता है। वेरी करता है। देखो पनिंग कैसे होता है, जैसे कि पहले ये दीवार जो उसने ठेकेदार ने प्लास्टर कर दिया या नहीं, बने बहुत ज्यादा खराब था। हाँ। तो फिर जो पनिंग वाले आते हैं ना, वो ऐसे ठीये बनाते हैं, अब इसको इंग्लिश में लेवल बोल सकते हैं अपन। अच्छा। उसने ये लेवल बनाया, फिर एक ये लेवल बनाया, इससे पतला है। अच्छा। अब वो यहाँ से माल चढ़ाते हुए लाएगा, इस लेवल पे टच करेगा। अच्छा। तो बिल्कुल भी कहीं पे भी बैंड नहीं दिखेगा, इसने पहले ये सारे लेवल मार्क करते हर जब डोरी डाल के देखी ना, तो ये वाला हिस्सा ज्यादा भार आ रहा है। अच्छा, अच्छा। तो अंदर है, तो उसने यहाँ पे ज्यादा निकाल के रखा। ओके, मतलब वैसे ही इस लेवल पे है, बट उसने जो अंदर के उसके साथ तो ये दो तीन इसके, एक तो वो जो वाटर लेवल आता है उससे भी करते हैं कुछ, उसके बाद फिर एक लंबा सा एक 90 डिग्री का पूरा एक वो आता है, वो लगा के टच करके देखते हैं पूरा। अच्छा, अच्छा। फिर जहाँ फर्क होता है मैं मान जाता हूँ। अच्छा, ओके। कहीं कहीं आप देखोगे तो बहुत ज्यादा पनिंग चढ़ी है, दो दो इंची के बराबर की भी चढ़ी हुई, तो इससे लेबर ही पड़ गई ना 7000 रुपये। जैसे 21 फीट बन रहा है टोटल दरवाजा, 15000-12000 रुपए तक का, तो फिर उसके बाद दरवाजा लगाएगा। दरवाजा पे वीनियर लगा कर कितने का एक दरवाजा, कितने का पड़ रहा है? 20000 मतलब कितने दरवाजे 20000 जैसे, मतलब 4 लाख के दरवाजे लगाएंगे। तो उनको अभी तक समझ नहीं पड़ रहा, अगर उनको इतना पता होता ना कि लेबर इतनी महंगी है इटालियन लगा के, तो किसी कीमत पे इटालियन पसंद करके भी जाते हैं। तो वो लिया है तो लेबर भले 500 मिले तो करा दे रहे हैं। और वो चक्कर क्या है कि जो भी आता है ना, दरवाजे दरवाजे 4 लाख रुपए लग के लग जाएंगे। अच्छा, ये जो है ये जो बना है हाँ, ये बनाने बनाने का एक दरवाजे का बनाने का लेबर 8000 रुपये।
अच्छा, तो इसके लिए टाइल की कंपनी प्रोवाइड करती है लेबर? नहीं, लेबर राजस्थान से बुलाते हैं। अच्छा, लेबर मतलब अपने जो भी बाहर राजस्थान, क्या ये अहमदाबाद भी है या फिर बेंगलोर में भी जो करते हैं, एक जगह बोरिंग वाले जो थे, एक डिटेलिंग का काम अपना अटक रहा है इधर, ये वाली चीज़। अब ये वाली जो है, फ्रेम इधर बनेगी, इस वाली किधर बनेगी, तो अभी आगे डेड पॉइंट हो गया, यहाँ कुछ भी नहीं, तो वो बोल रहा है कि मैं क्या करूँगा, इस पत्थर को ला के यहाँ लगा दूंगा ऐसा तिरछा, और उसको ऐसे घिसाई करके और ऐसे घुमा दूंगा गोल, तो ऐसा लगेगा कि ये पूरा एक ही पत्थर ऐसा गोल करके लगा दिया यहाँ से, यूं नोजिंग कर देगा, वो गोल कर देगा इसको, इसको इसको हाफ राउंड कर देगा, तो ये ऐसा लगेगा कि यहाँ से पत्थर चला, ये घूमते हुए आ गया। हाँ भाई, बराबर है, ये वो एरिया है। तो ऊपर जाके क्या करेगा? ऊपर जाके तो अभी इसकी ये बनेगी ना फ्रेम, ऊपर तो फोटो फ्रेम आएगी, इस तरफ भी आएगी, ये ऊपर गया ऐसा घुमा हुआ, ये घुमा हुआ ऊपर गया, अब इधर जाके क्या करेगा? ये घुमा देगा और इधर ये सीधा जा रहा है, ऐसा थोड़ी ना होगा। ये घुमाने वाला पोर्शन तो यहाँ एंड हो गया, इसकी फ्रेम यहाँ चलेगी, इसकी फ्रेम यहाँ चली जाएगी, तो फिर ऊपर ये जॉइंट अजीब सा दिखेगा ना, फिर अगर वो कर सके तो ये जैसे घुमा रखा इधर, ये वाला भी ऊपर की साइड से घुमा के लाया, इधर वाला भी घुमा के लाया, फिर ये जो घूमेगा ना यहाँ पे ऐसा ऐसा और ऐसा एक ट्रायंगल टाइप बनेगा, उसमें वो ग्रूव चलेगा दोनों तीनों तरफ से, इधर इधर और इधर, वो बड़े, लेकिन ये तो वो वॉश एरिया भी मतलब एक तरह से लगा के सिंपल सजा करा, ये वॉश है, और ये इसको क्या बोलते हो इंग्लिश में, कान को लॉफ्ट। अच्छा, ये यहाँ पैटर्न है, कितनी भी मगज वाली कल, तो ये दाऊद ये कितना है, जैसे अपन ने दरवाजा छुटवाया तो ये कितना कितने कितने इंच बाहर आ रहे हैं, जैसे सब दरवाजा अपन जो है, जैसे अगर तेरे को कहीं 3 फीट का दरवाजा लेना है, 3 फीट दरवाजे लेने ड्राइंग अपन जब जुड़ाई कराए तो कितने फीट, 39 इंच दोनों तरफ से मरती है जगह, ये लगा जैसे मैंने जो जो 36 की जगह छोड़ी थी ना प्लास्टर करने के बाद, मेरे को फिर वो अंदर अंदर तो मान ले 32 ही मिल रही है, 33-32, तो मेरे को अब कम पड़ रही जगह, तो फिर मैंने तो दीवारें सिलवाई, सारी दीवारें तोड़वाई, दरवाजे तोड़वा, क्या करें अपने, ये 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच इधर आता है, कम हो जाता है छोटा, तो दरवाजा 36 से कम हो गया, ऊपर की साइड से भी 3 इंच कर तो छुटवा के, तो फिर तोड़वाया ना सब, इतना तोड़ फोड़ हुआ साइड में, ये थोड़ा टेढ़ा लग रहा है क्या दाऊ, ठीक है थोड़ी सी मिस्टेक है लगा दे, ये थोड़ा ऐसा हो गया, वो आएगा उसको बता नहीं, एक दो जगह एक और मिस्टेक बता दूं तुमको, ये पनिंग इस पे पुट्टी होगी, फिर इस पे टेक्सचर होगा, ये पनिंग में ही छूटता है ग्रूव, अगर अपन चाहे कि प्लास्टर में छुड़वाए तो इतना कहीं नहीं आता, अच्छा आता नहीं, तो जो भी बड़े आर्किटेक्ट्स उनके प्रोजेक्ट्स में हमेशा पनिंग करवाते हैं, क्योंकि इसमें इसी वाली डिटेलिंग अच्छी आती है। अच्छा, जैसे लकड़ी का भी कहीं रहेगा ना, अपन लकड़ी की फ्रेम भी बना रहे हैं तो ग्रूव छोड़ने का हमेशा, क्योंकि दो अलग मटेरियल है ये और ये, तो इन फ्यूचर 101% बाद में क्रैक आएगा कभी। अच्छा, तो ये ग्रूव थोड़ा तो क्रैक जो रहेगा वो अंदर की साइड रहेगा तो एकदम से दिखेगा नहीं। अच्छा, ये लड़के का रूम, ओके लड़का है 4th-5th में छोटा सा, और यहाँ पे 4 फीट का एक सिंगल बेड लग जाएगा, उस तरफ स्टडी टेबल, पूरी दीवार पे वार्डरोब आ जाएगी, हाँ वो छोड़ना चाहिए, 2 फीट तो छोड़ना ही चाहिए। और इसकी कितना 10 फीट होगी हाइट? ये 10.5। अच्छा, और ये POP से किया है क्या? वो यहाँ पे टीवी यूनिट या कुछ भी प्लान करना रहा तो हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि ये हाइट ये अपनी आ रही है 220 वाट वाला, क्या है अपनी जगह में आ रहा है, जैसे अपनी जगह है ना, ये बाहर जो स्टेज दिख रहे हैं दो टप्पे यहाँ तक अपनी जगह, पर अपन वहाँ से 7 फीट पीछे आए नगर पालिका के नॉर्म्स के हिसाब से। अच्छा, फिर रोड से 7 फीट छोड़ के बनाना अपनी जगह में, 7 फीट पीछे आए, उसके बाद फिर ये खंभा भी अपनी जगह में आ रहा था, तो ये छत तो अपन आगे तक बढ़ दी, पर इस वाली छत को आगे नहीं बढ़ पाते, तो इसलिए अपने को पीछे आना पड़ा, तो ये बालकनी छोटी हो गई,
अच्छा नीचे वाली बालकनी यहाँ तक है, ऊपर वाली बालकनी छोटी है। ओके ये सिलिकॉन भर रहा था, इसमें भी बहुत पहले हमने दिमाग लगा जैसे ये दो ब्रिक्स लगा इस पे से छोड़ के 4 mm का, अब 4 mm का इस पे से छोड़ा तो फिर यहाँ लगाए क्या इसके बीच के अंदर, तो फिर यहाँ पे जो कांच के अंदर सिलिकॉन भरते ना वो भर रहा था, ये सिलिकॉन है। अच्छा डबल, फिर ये सिलिकॉन के ऊपर फिर कलर करवाया वाइट कलर का, देखो रबर भरा अरे है तो क्लैडिंग ही, ब्रिक तो है नहीं असली। नहीं असली ब्रिक तो है, असली ब्रिक ही है ये, पतली पतली सी ऊपर से लगा नकली वाला। और यहाँ पे क्या पाइप आ रहे हैं क्या, ये अपने इलेक्ट्रिक बालकनी की लाइट यहाँ से ऑपरेट होगी। अच्छा और ये कुछ पाइप निकल रहे हैं, ये बाहर एलिवेशन पे लाइट चाहिए था। अच्छा अच्छा ओके, यहाँ पे भी छोड़ रहे थे ये वायर आ रहा है यहाँ पे, वो वाला शेप बनेगा वो भी वाला ऊपर और नीचे बनता है ना, यहाँ पे दो हैंगिंग लाइट्स आ जाएगी, बाहर का लुक काफी अच्छा है क्योंकि वहाँ पे दिखता है, और ऊपर जाके तिरछा बना दिया जैसे यहाँ से अपन खिसके पीछे ऊपर जाके और खिसके उधर रहेगा ना, उधर खड़ा रहेगा तो उधर से पूरा दिखता है। अच्छा तो इसका इलेक्ट्रिकल लेआउट वो इलेक्ट्रिशियन समझ लेता है, वो कहीं नहीं समझता तो बुला लेता फोन करके। नहीं मतलब वहाँ पे रायपुर में एक दो लोग इलेक्ट्रिशियंस को पूछा कि इलेक्ट्रिकल लेआउट वगैरह आप बनाते हो देखे हो तो हैं वो क्या होता है ऐसा बोलते हैं। हाँ हो सकता है इतना काम नहीं किया होगा उसने। अब ये टॉयलेट भी छोटा हो गया नीचे से, तो नीचे अपन एंटी का टॉयलेट देखते ना, हाँ 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 छोटा हो गया जबकि उनके लड़के का है थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था। हाँ 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 छोटा हो गया, हाँ ये तो बहुत छोटा है, दो फीट से थोड़ा सा ज़्यादा है। कितना लेंगे ये पूरा पट्टा चल गया कमरों में भी तो 8.5 feet चौड़ा है ये। हाँ पहले प्लानिंग इस रूम की ऐसी चीज किया करते हैं जैसे ये रूम यहाँ रखा और ये बाथरूम था ऐसा लगा 4 feet का पूरा, इसमें यहाँ की ड्रेस और ड्रेस के बाद ऐसा टॉयलेट जा रहा था, पर यहाँ तो उनको रूम छोटा लग रहा था, तुमने बोला कि उनको तो रूम यहीं पर बड़ा चाहिए भले बाथरूम छोटा। अच्छा बड़ा करके बाथरूम नहीं, हाँ अपने अपन जो सोचते हैं कि सही रहेगा वो जरूरी नहीं कि वो लोग क्लाइंट को मानते ही ना, क्लाइंट को कन्विंस करना बहुत बड़ी बात है, वो क्लाइंट को आपने कन्विंस कर दिया पर जो रस्ते चलते लोग जाते ना तो फ्री में राइड दे जाते हैं तो सब काम खराब कर देते। फिर ये क्या, ये क्लाइंट का बेडरूम है। ओ बाप रे एकदम टोटल कॉन्ट्रास्ट, इसमें टाइल भी बड़ी है। ये 3 feet by 4 feet की टाइल है। अच्छा इसमें मंदिर फिर ये बेडरूम एक्सक्लूसिव हो गया है, बेडरूम वालों के लिए एक्सक्लूसिव हो गया। हाँ मतलब बड़ी फैमिली भी नहीं है, छोटा सा मंदिर चाहिए था बेडरूम के अंदर, मतलब इधर अगर ओपन कर देते हमारी कहानी ये थी कि पहले मंदिर जो है ना वो इस कोने में आया था अलग से, यहाँ पे तड़ाव के पास में मंदिर निकला था, उसके बाद फिर यहाँ से बेडरूम चालू करा था अंदर, तो ये बड़ा रूम हो रहा था तो उनको और बड़ा चाहिए था रूम, उसका मंदिर उधर से जीवन सीधा खोल के नहीं हो रहा था, हो रहा था यही था वहाँ पहले, यही तो उनने चेंज करवा दिया कि मेरे को तो रूम में कर दो और यहाँ पे सॉफ्ट पार्टीशन कर दो, अब यहाँ पे एल शेप का सोफा आ जाएगा और ये दो पॉइंट से इसके बीच में बेड आ जाएगा, यहाँ टीवी यूनिट आ जाएगी और ये उनका स्ट्रॉन्ग रूम करवाया हमने। क्या रूम, स्ट्रॉन्ग रूम वो क्या सेफ की जो भी टाइप पूरा। अच्छा। ये लॉकर यहाँ दरवाजा ही बंद हो जाएगा, ये पूरा सेफ हो गया। ओके ऐसा भी होता है, कहीं से भी खुलना नहीं, किसी को पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे एक दरवाजा भी है, दीवार यहाँ से लेके वहाँ तक पूरे में कटन चलेंगे, पूरी दीवार बंद हो जाएगी ये दीवार यहाँ से, क्यों करना बंद, ये गेट नहीं दिखाना उनको, उनका वो किसी को पता नहीं चलेगा गेट वो तो
कर्टन्स के अलावा कुछ और करके बंद किया जाए तो भी अच्छा लगे। जनरली जो स्ट्रॉन्ग रूम होते हैं ना उसके दरवाजे भी बहुत मोटे लोहे के बनते हैं, हेवी, क्योंकि तो उनके घर कितनी ऊपर हो फिर इतना अंदर है तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। और ये उनका टॉयलेट पर्दे का, फिर वो रॉड दिखेगा, रॉड छुपाने की बात कर रहा है ना तू? रॉड तो ट्रैक पे लगता है वो भी, जैसे कि अभी यहाँ पे लगाने में जगह नहीं अपने पास, वो डायरेक्टली सितारे पे फंसाएगी। नहीं वो ऊपर डायरेक्ट ग्रिल हो जाते छत पे। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ट्रैक आती है वो ट्रैक पे ही मूव होता पूरा। ये छोड़ने से पूरे घर में लाइट मिलती है। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, ये घर और ये दोनों घर साथ में चालू होते हैं। अच्छा ये दूसरा घर है क्या? वो कोई और कर रहा है वो, उसमें ओटीएस नहीं दिया उनका, इंदौर के आर्किटेक्ट। और ये कहाँ का है? ये खुद। अच्छा वो देखो दज्जा उठ रही है हमारे बोर्ड के नीचे, ये निकाल के पिकवा दे, इसमें मुझे ज़्यादा बड़ा बोर्ड नहीं होगा इसकी साइड। ये कटआउट के कारण बहुत फायदा हो रहा है। अभी तो वहाँ पे भी बहुत लाइट दिखती है आपके पास तो पता चला क्या ना? फिर ऊपर और ऊपर रूम है क्या? छत है? इन सारे ग्रुप्स के अंदर वो डार्क कलर वाले वो भर देंगे अपन ग्राउंड। हाँ अब यहाँ वॉश बेसिन आ जाएगा मंदिर के, यहाँ तो यहाँ कुछ ले नहीं सकते इसलिए यहाँ एक टेबल टॉप के साथ वॉश बेसिन आ जाएगा जो मंदिर की दीवार से अटैच है। यहाँ पे शावर हो जाएगा और यहाँ डब्ल्यू से इंडियन डब्ल्यू वेस्ट अपने वेस्टर्न ट्रेड। हाँ वाटर क्लोजेट। ये है ना ये दो सूट का फर्क आ रहा है अगर यहाँ से अपन टच कर गए तो ये एक ही लाइन में वाला कर पनिंग की गलती नहीं उसको पनिंग तो पहले हुई थी उसको बोला था कि तू पनिंग के लेवल से मिला के करना अब ये नीचे जाके देखिए इस कटिंग से इतना अंदर दबा दिया उसने तो ये जबकि मास्टर बेडरूम में यहाँ तो गलती होनी नहीं चाहिए वो वाला थोड़ा ठीक है तब भी वो मिला दिया यहाँ गलती तो उसको मैंने मना कर दिया उसको पता भी होगा जबकि पता तो मैंने यहाँ रिपेयर सारी रिपेयरिंग कर दिया मुझे ये रिपेयर नहीं करने थी मैंने बोला तोड़ना वापस होगा नुकसान को बाकी सही करना दरवाजे की इसको लेबर भी नहीं देंगे बहुत फर्क है इसमें देख यहाँ से दिख रही है अंदर दबी ये वाला मुंह बाहर है ये अंदर दूसरा जल्दी जल्दी में कर दिया क्या देख कितना फर्क है जल्दी में किया पता नहीं क्या करा यार सब काम सही था इस बाथरूम के सीन क्या मालूम क्या गड़बड़ कर दिया अब जैसे ये जो टाइल है टाइल जहाँ पे ख़त्म हुई फिर उसके बाद जॉइंट वगैरह करने का इसको इस वाले को किया फिर ये पिताम करा ये मोल्ड कर दिया अब दिखने में ये पूरा अगर तो देखो पता है ऊपर से लगा है दिखने में पूरा ऐसा लगेगा कि ये पूरा मोटा की मोटा इतना कुछ लगा रहता है जैसा इसका दरवाज़ा तो इसके इस पर बंद हो जाएगा जब भी कमरे में देखेगा ना तो उसको इतनी बड़ी फ्रेम थी जब दिखेगी दरवाज़ा इधर यूँ रहेगा यूँ इधर रहेगा ये यूँ अंदर की तरफ से हाँ ये रुक गया ना इधर इधर दरवाजा रुक जाएगा पिताम के तभी तो इधर इस पर रुक ही नहीं सकता था नहीं यहाँ पे मैं गलती कर गया था मेरे को बताया पनिंग वाले ने सर यहाँ पे मिस्टेक कर गया वो जैसे ये वाला जो लेवल था ना पनिंग का नीचे से उससे ज़्यादा बाहर निकल गया था ये तो उसको फिर नीचे से पनिंग थोड़ी सी मोटी करके लानी पड़ी तो नीचे से लाया माल चढ़ा के तो उसकी गलती फिर ये पनिंग वाले ने सही कर रखी तब भी दिख रही है ये मिलनी चाहिए टाइल्स ये पनिंग यहाँ खत्म हो गई बस इसी दो फ्लोर तक पनिंग करवाई थी अभी प्लास्टर चालू हो गया तो आपको दिखेगा प्लास्टर अलग है ये लेयर आ गया हाँ Thank you.
जैसा तिरछा बना रखा है, अब यहाँ पे पाइप लगेंगे एमएस के ऐसे ऐसे तिरछे में पूरे में, और वो यहाँ तक आएंगे पाइप, तो पूरा ऐसा लूप आएगा। अच्छा, और यहाँ झूला लग जाएगा, और ये रफ टाइल लगवाइए इस पे पूरे में ग्रास लग जाएगी, आर्टिफिशियल ग्रास आती है ना कारपेट वाले, पहले पर टाइल लगो ना, टाइल लगो ये बहुत क्या दिक्कत हुई? जैसे ये जो स्कटिंग लगती है ना, हाँ हाँ दीवार पे, तो वही स्कटिंग लगना थी क्योंकि छत है तो बारिश का पानी नीचे नहीं करना चाहिए। हाँ। जो कॉर्नर तो उसने, उसने क्या करा, उसको स्कटिंग बोला था हमने कि ऐसी तिरछी लगा देना। हाँ। ये से साइड। हाँ। हाँ। तो उसने क्लाइंट को कन्विंस करके और ये सीमेंट भी पाप काट दिया उसने। मैंने क्लाइंट को बोला कि लगाओ टाइल, तो बोला कि यार नहीं यार ये बढ़िया सीमेंट टाइल। बिना छज्जे का बन रहा है, ओपनिंग में छज्जा ही नहीं है वहाँ पे, है ना वो निकाल रखा ना अलग से लोहे में। अच्छा, आर्च वो लोहे में कर रखी है। अच्छा, छोटा सा ऐसे करना पड़ेगा क्या? नहीं, अपन तो करोगे खराब तो बनवाएंगे ऐसे बोल। ये कितना कट्टा डाल रहे मस्जिद का, कट्टा इतना सा डाल रहे, जैसे चढ़ाऊ गई ना बस इतना कट्टा डाल दूंगा, खत्म मस्जिद। इतनी लेट काम चालू हुआ था, घना दिन घना दिन इसको डाल। क्या है वैसे ये, क्या बन रहा है? मस्जिद बन रहा है। और उधर क्या है? वो उनकी दो बेटियां हैं, दो बेटियां हैं, उन दोनों के एक ही कंबाइन रूम निकाल दिया है, दोनों में से जो भी आई लेने जो हमारे लिए। अच्छा, वो बाहर है, बड़ी बेटी है। तो बच्चे को बोल दो ना इधर रह जाएगा। हाँ, फिर तो ही करना पड़ेगा ना। अच्छा रूम है, बड़ा टॉयलेट भी बड़ा है। इसने भी हमारे ठेकेदार साहब ने मिस्टेक कर दी, वो टाइल जो हमने फाइनल करी थी ना, तो वो दरवाजे की मोटाई की है, जैसे ये दो फुट ना अंदर, तो वो टाइल दो फुट थी, तो अपना ऐसा था कि दरवाजे के सामने वो लगेगी। बाकी उसने अपने हिसाब से कर दिया। वो ये मैच होता तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ये टाइल और वो टाइल मैच होती है तो। ये सामने थी एकदम, लेकिन वो उधर से उसने चालू कर दी, ये दोनों तरफ कटी। अब यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा बीम आ रहा था सेंटर में, फिर ऐसी सीलिंग करना पड़ी होटल वाली जैसी। अच्छा, क्या करते, कोई ऑप्शन भी? अब मेरे को ये भी बीच में लाना पड़ेगा वापस, तोड़नी पड़ेगी सीट, ये जो पॉइंट है ना एसी वाइस को लाना पड़ेगा, इसके बीच में ऐसे लगेगा तभी अच्छा लगेगा। बेड कहाँ लगेगा? इधर इधर दरवाजा है ना, वो ऊपर लगाएंगे तो बीच में आएगा। हाँ, इधर सीधा सर्कुलेशन हो पड़ेगा। जाने का रास्ता यहाँ से रहेगा, जैसे सीधी वो सीढ़ी रखी ना लेडर, वैसी रख देंगे, क्योंकि घर में जो भी है सब कम से कम एक एक क्विंटल लेने वाले, तो उनसे तो जवाएगा ही नहीं, कोई भी दुकान का आदमी जाएगा वो ऊपर जाके पानी की टैंक चेक कर लेगा। वॉशिंग मशीन रखेंगे, ऐसा स्पाइरल रख देंगे, स्पाइरल स्टेयरकेस, खड़े रहने की जगह नहीं रहती थी ना वो, ठीक है ना, कभी मतलब तीन चार ऐसे नहीं जाना है तो फिर ठीक है, चलो उसको इंग्लिश में मंकी स्टेयरकेस, मंकी लैडर, मंकी लैडर। ये अच्छा है, अब व्यू भी इधर भी मिल रहा है, उधर भी मिल रहा है, भले ही कैसा भी हो दिख तो रहा है। उधर तो है ही नहीं, वेंटिलेशन नहीं है भाई, एक भी बेडरूम के अंदर भी नहीं है,
तेरे को समझाना तेरी गलती है पागल, क्या मुझे समझाना चाहिए तेरा। अरे तू क्या घंटीबाजी में लग गया यार। एक चाटे घूम जाएगा तो 5 मिनट मत बोलना। तो ये बीम जो है बाकी जगह क्यों नहीं आ रही, ये बीम बाकी जगह क्यों नहीं आ रही है? ये रूम में से आगे तक ले सकते थे ना, तो कभी फ्यूचर एक्सपांड करा फिर वापस ये डिसमेंटल करना पड़ेगा। हाँ मैं वही पूछ रहा था बाकी जगह क्यों नहीं आ रही। ये बाकी जगह आ रहे हैं पर इतना हेवी नहीं आ रहा जितना अपन ने डेप्थ ज़्यादा नहीं डाली, क्योंकि इसके ऊपर पानी की टंकी आ रही है जिसका वजन ही लगभग मान लो 5 टन के आसपास है, 5000 किलो। तो वो तो हमेशा एक लोड डेट पड़ा हुआ है इसके ऊपर, इसलिए इसका बीम थोड़ा सा मोटा डाला। अच्छा जैसे अभी के नीचे आपको जो है वो अपन अपना बाथरूम यहाँ पर आके खत्म हो रहा था, तो ये मंदिर था, तो जो बाथरूम की दीवार थी ना वो एक पिल्लर है 8x8 का, उसमें सरिये थे, वो पिल्लर अपन ने यहाँ हटा दिया। तो जैसे वो पिल्लर हटाया तो वजन बढ़ रहा था, तो फिर इसलिए बीम नहीं मिला। यहाँ पे कॉलम चल रहा था तो यहाँ लाके अपन ने खत्म कर दिया, क्योंकि अगर ये कॉलम अभी कमरे में दिखता तो बेकार हो जाता। अभी देखें तो मुकेश अंकल का और ये वाला रूम दोनों अच्छे बड़े, और एक वो भाई का भी अच्छा रूम, जैसे उनके लड़के का थोड़ा सा छोटा बैठ का है। अब जगह भी जो इतनी थी ये 16 फीट जगह है। नहीं वो मेरे ख्याल बच्चे को यहीं सोने दो, जब उनकी डॉटर आएंगी कभी वो उधर रुक जाएगी, वो तो उनका डिसीजन है। उसका ऊपर चढ़ना है, जब लड़का शादी करेगा तो इधर आ जाएगा ऊपर, वो फोर्थ क्लास में है ना, उसको तो कितना टाइम लगेगा, तब तो दूसरी जगह लगा ले जाएगा। अब यहाँ का एक कुछ अच्छा सा प्लान करना है ताकि नीचे से जब ये दिखेगा तो यहाँ पे एक तो पिरामिड है दिमाग में कि अपन पिरामिड बना लेते हैं, और नीचे फिर हट वाला शेप बना लेते हैं, तो फिर इस वाले ओटीएस के सेंटर में से चैंडलियर लाइट को नीचे खोलना है फर्स्ट फ्लोर बड़ा ऊपर चैंडलियर। तो वो मोहित बोल रहा है कि इसके सेंटर में से लेके आएगा ना तो अच्छा नहीं दिखेगा, क्योंकि नीचे से जब भी आदमी ऊपर देखेगा तो उसको इतनी सारी रोशनी दिखेगी एक साथ, तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो पहले इसको वापस से पैक कराओ 4x4 का बना के, और फिर उसके ऊपर बीच वाला पार्ट जो है वो पैक करा देते हैं, और साइड से अपन ये खुला छोड़ दें, मतलब बीच वाला पार्ट जो है 4x4 है खुला खुला कर दें, और भले ये साइड में पट्टे भी दिखेंगे तो भी जाने वो लकड़ी के कर देंगे। फिर उसमें जो झूमर लकड़ी के मतलब राफ्टर चला देंगे 1, 2, 3, 4 और बीच वाला पार्ट पैक करके अपन लटका देंगे, और साइड ये सब ओपनिंग हो जाएगी, लाइट भी कम नहीं पड़ेगी और झूमर भी अच्छा दिखेगा। मोर देन सफिशियंट है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, और वो लकड़ी का नीचे से दिखेगा अच्छा, वो अपन पाइन वुड भी लगा सकते हैं या कुछ भी लगा सकते हैं, या तो सागवान से करा या विनाइल लगा के खत्म, पाइन वुड करते चैंडलियर वगैरह फिर वो साफ वगैरह मेंटेन करने का रहता है, वो तो डायरेक्ट नीचे आएगा ना फर्स्ट फ्लोर पे खुलेगा, यहाँ से जंजीर से लटकता आएगा नीचे, कल आए कल, और अगर अपन वो नहीं छोड़ते ना तो इस वाला जो ओटीए से इसका कुछ लुक नहीं उठेगा, मेल भी आ गया, ऑर्डर आईडी कुछ ना कुछ तो अपने को हैंगिंग या डालना ही पड़ेगा, ऑर्डर आईडी भी आ गई है, मेल भी आ गया है, अब मैं तो बाहर आ गया तो कल सुबह ही मिलूंगा, या फिर उनका नंबर लेके लिख के रख लो, मैं आऊँगा तब।